शिवगढ़ क्षेत्र के भवानीगढ़ चौराहे पर स्थित कांग्रेस पार्टी के शिवगढ़ ब्लॉक कार्यालय में निःशुल्क नेत्र शिविर संपन्न हुआ। नेत्र शिविर में आए 36 नेत्र रोगियों को जहां मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया, तो वही 40 नेत्र रोगियों के नजर के चश्मे टेस्ट किए गए। गौरतलब हो कि कोरोना काल के बाद करीब 2 वर्षों बाद शुक्रवार को भवानीगढ़ चौराहे स्थित कांग्रेस पार्टी के शिवगढ़ ब्लॉक कार्यालय में इंदिरा गांधी ने चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र कैसरबाग लखनऊ से आए सतीश मिश्रा के नेतृत्व में सदस्य नेत्र विशेषज्ञ टीम द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर लगाकर शिविर में आए 106 नेत्र रोगियों की आंखों की जांच की गई, जिसमें जहां 36 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया, तो वही 40 जरूरतमंद नेत्र रोगियों के नजर के चश्मे टेस्ट किए गए। शिविर के आयोजक एवं कांग्रेस पार्टी के शिवगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट गौरव मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित नेत्र रोगियों को आगामी 13, 15 और 17 जुलाई 2022 को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिकित्सालय की बस द्वारा लखनऊ ले जाया जाएगा। ऑपरेशन के उपरांत तीसरे दिन उसी बस से कांग्रेस पार्टी के शिवगढ़ ब्लॉक कार्यालय में लाकर उतार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन नेत्र रोगियों नजर के चश्मे टेस्ट किए गए, उन्हें आगामी 19 जून को कांग्रेस कार्यालय में नजर के चश्मे बांटे जाएंगे। गौरव मिश्रा ने बताया कि कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्षों से निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन नहीं हो पा रहा था। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं रायबरेली सांसद सोनिया गांधी के प्रयास से पुनः नेत्र शिविर की शुरुआत हो गया है। अब हर महीने अनवरत रूप से नेत्र शिविरों का आयोजन होता रहेगा। इस मौके पर नेत्र विशेषज्ञ टीम से सतीश मिश्रा, गंगा यादव, साहिबा परवीन, शिखा दीक्षित, शालिनी सिंह, विनय, कांग्रेस पार्टी के बचरावा कोऑर्डिनेटर मनोज यादव, जिला सचिव दिनेश, हरीश शंकर तिवारी, राजकुमार सैनी आदि लोग मौजूद रहे।